अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। और आज का हम आए हैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। तो आज मैंने कुछ करनी थी अनबॉक्सिंग, जैसे कि चीज़ें आप देख रहे हैं अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये ज़रूरी अनबॉक्सिंग के लिए तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट चीज़ अनबॉक्स। तो ये हमें दराज की तरफ से है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे भी उल्टा नज़र आ रहा है कैमरे में, तो समझ आप गए होंगे। तो ये अनबॉक्सिंग करेंगे इन चीज़ों की, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं कि निकलता क्या, मंगाया तो है, तो लेट्स सी। तो ये ज़रूरी है ना अनबॉक्सिंग के लिए, तो इसको ज़रा पकड़ें भाई जान। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और ये फट चुका है, इसको पीछे फेंकें। और हमारे पास हट गया है एक अदद वॉच। सो अभी इसके बारे में रिव्यू करता हूँ, पहले दूसरी चीज़ को अनबॉक्स कर लेते हैं, ओपन करके फिर आपको बाद में दिखाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आ चुकी है, अब नेक्स्ट चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, पहले आपको बता दूं कि जो ये वॉच है ये मैंने ऑर्डर की थी, तो ये काफ़ी अच्छी वॉच मुझे लगी थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्र करते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया था और वही हमें वापस मिल चुका है, जो सेम एज इट इज़ जो मैंने ऑर्डर की थी पिक्चर में थी और वही मिली है। तो दराज इज़ वेरी गुड, और इन्होंने वही चीज़ भेजी है जो इन्होंने दिखाई थी, सो इट्स वेरी गुड थिंग। सो नेक्स्ट थिंग जो दूसरी चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। पहले मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए सेटअप नहीं था, ज़्यादा बोल रहा हूँ, उठा के बताता हूँ। तो ये अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये हमारे पास दो चीज़ें निकली, ये एक पेजेज है कोई यूज़र मैनुअल है जिसको हम कभी नहीं पढ़ते होते, और दूसरी चीज़ ये हमारे पास ब्लॉगिंग के लिए सेटअप आया न्यू। और इसके अंदर एक और चीज़ भी थी कि जिसके साथ दराज तरफ से भी आया, और जिसके साथ हम ब्लॉगिंग करते हैं, ये सेटअप है ऊपर लगाते हैं ताकि आपका कैमरा होल्ड इसके ऊपर हो जाए। तो वो दिखाओ जी चीज़ें क्या आई हैं। एक आई है ये हमारे पास देख सकते हैं ट्राईपॉड है, तो अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वालिटी है, लेकिन लग तो अच्छा ही रहा है वैसे। और दूसरी चीज़ है ये इसको यूज़ करने के लिए, ताकि इसको हम ऊपर लगा कर ब्लॉगिंग सेट यूज़ करें। तो आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी कि ये वही वॉच थी, बताया आपको कि जैसे ये हमारी वॉच थी स्मार्ट लेट, पता नहीं क्या काम की बनी हुई, ये तो हम देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। और क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है, इसको ओपन करते हैं और ये इसको निकालते हैं। तो ये तो हमें ज़रूरत नहीं होती इसकी। कंपनी इसकी जो है जी एस स्मार्ट वॉचेज़ हैं, पता नहीं मेड इन पता नहीं कहाँ से, पढ़ा नहीं जा रहा अभी। तो ये कलर आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर है। और फोकस हो जा, ये इसका जो है स्टैप है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा भी इसको मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको सामने ही खोली है, इसको यूज़ करके फिर कर। अभी इसकी अनबॉक्सिंग हुई आपके सामने हुई है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो अभी इसको पहनता हूँ और बताता हूँ स्टैप वगैरह की क्वालिटी क्या है। तो अभी दूसरी चीज़ को भी खोलते हैं, ठीक है जी। तो सर ये पकड़े इसको आप साइड पर रखें। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ चुकी है, इसको खोल में चादर चीज़ें पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आई है ये हमारा ट्राईपॉड है, तो ये चादर है, इज़ माई वेरी गुड एंड डियर कज़न। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं आपके सामने, बल्कि इससे तो हो नहीं रहा, इस चीज़ से इससे करते हैं ये अनबॉक्सिंग। पहले बैठा हुआ था यहाँ पे हमारे साथ फातिम, जो कि मेरा छोटा भाई है, तो अब उसको ज़रा जाना पड़ गया, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अभी ये खुल नहीं रहा, और ये खोलते हैं और फिर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। और ये जो है हमारे पास ये कुछ सामने आती है, और ये चीज़ है जी कुछ ये सामने आया ऐसे का ट्राईपॉड, फिर आपका भाई ऐसे ब्लॉगिंग करेगा हैं। तो अभी इसको हमने अनबॉक्स किया है, इसको रखते हैं साइड पे, और जो इसके ऊपर लगेगा तो आप उसको ज़रा खोलते हैं। तो इसकी ब्लॉगिंग से इसकी थोड़ी आसानी हो जाती है, फ़ोन आपने हाथ में पकड़ा होता है तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी मेरे पहले जितने भी ब्लॉग आप चैनल पर जाके देखकर नहीं देखे तो देख ले, वरना ऊपर पॉप बटन में आपको दे दूँगा, तो उसको ज़रा जाके देख लीजिएगा। तो उनमें मैंने फ़ोन से बनाए थे, तो जाके उनको देखें, और आप जितने भी अगले ब्लॉग होंगे सारे इससे आएंगे ट्राईपॉड से, तो बताइएगा कि क्या फ़र्क है दोनों में, ट्राईपॉड से ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आपको सिंपल फ़ोन ज़्यादा लग रहा है अच्छा लग रहा है। तो इससे हमारे अंदर मिलती हैं दो चीज़ें, एक है ये स्टैंड है जो कि इसके ऊपर फिट होगा और हमारा इसमें फ़ोन आएगा, ठीक है जी। दूसरी हमारी चीज़ इसके साथ ये लगाने के लिए आता है, इसके अंदर वैसे फिट करते हैं। सो ये गिर गया भैया, ऐसे होगा ये फिट, ये ऐसे फिट होगा, और इसके ऊपर इसको भी हम सेट करके फिर आपके सामने इसको सेट करके आते हैं, ठीक है।
सेटअप कर चुके हैं, तो अभी आपका भाई इसमें लगाएगा फ़ोन और नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे आप इससे, क्योंकि इस क्वालिटी से काफ़ी अच्छी है। तो मैंने जो सब्र किया इतने दिन, सब्र मेरे से हो नहीं रहा था क्योंकि मैंने व्लॉग शूट करने थे और व्लॉग शूट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो अब ये मेरे पास आ चुका है और अगले जितने भी मेरे वीलॉग्स होंगे वो आप देखेंगे इससे। सो अब हम बात करते हैं सेकंड हमारी जो वॉच है उसके बारे में। सो वॉच जो है ये है स्मार्ट वॉच है, ये बनी हुई है, मेड इन चाइना ही होती है सारी, आपको पता ही है। तो जो इसका स्टैप है वो है हमारे पास ब्राउन चॉकलेट कलर में, और जो इसका ये डायल है ये है जी ब्रॉन्ज कलर में, और काफ़ी अच्छा ना इसको शार्प एजेस के जो है ना वो कवर किए हुए हैं, और नीचे भी इसका ग्लास लगा हुआ है, ऊपर एक ग्लास से कवर है जो कि कॉनकेव ग्लास है, और हमें ना काफ़ी अच्छी फील आती है देख के। स्टैप जो है जेन्युइन लेदर का लगा हुआ है, सो लिखा हुआ है या नहीं ये पता लगेगा। तो यानी कि ये दो चीज़ें थी मेन, तो मैंने कहा आपको इन दोनों के बारे में बता दूँ। वॉच मेरी पुरानी चीज़ थी, वो कैसियो की थी, तो जी शॉक काफ़ी अच्छी वॉच थी जो कि मैंने पिछले 3 साल यूज़ की है, तो अब उसका टाइम पीरियड ओवर हो चुका था, तो मुझे न्यू वॉच चाहिए थी। तो पेपर वगैरह टेस्ट सेशन भी हो रहा था, टाइम की काफ़ी ज़रूरत थी देखने की। तो अब इसको ऑर्डर किया है और अब इसको यूज़ करेंगे, अगर मुझे अच्छी लगी तो हम शादी के लिए और जो फातिमा आपने पहले यहाँ बैठा हुआ था उसके लिए भी न्यू वॉच ऑर्डर करेंगे। पहले तो ज़रा मैं चेक कर लूँ ना कि ये ओके है या नहीं। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो बन रही है ट्राईपॉड से, कि मैंने उसको सेट किया, सेटअप करके मैंने फ़ोन लगाया उस पर, और अब मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लास्ट चीज़ बतानी थी कि ये जो वॉच है मैं काफ़ी अच्छी वॉच है, अगर जो जो इसको लाइक करते हैं, जो जो जिनको ये पसंद आई है, इसे कहते हैं स्कल एडिशन। तो स्टैप मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा जो कि मैं आफ्टर मार्केट अभी खरीदूँगा, तो वो भी मैं खरीद क्या बताऊँगा, क्योंकि इस पर स्टैप का जो डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं आया। तो लेकिन ठीक है, यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़रा भाई की चॉइस थोड़ी डिफरेंट है ना, तो स्टैप का जो डिज़ाइन है वो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। उसके बाद बाकी जो नीचे वाला ग्लास है इसके बारे में मैं अभी कोई वॉलपेपर वगैरह लगवाऊँगा, लगवा के फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो आप बताइएगा कि पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं, पहले फ़ोन था ऐसे से हिलता था, तो आप ज़रा वो ट्राईपॉड है रखा हुआ जगह पे, तो स्टेबिलिटी ठीक है, और इसका जब स्टेप चेंज करेंगे तो आप हमारा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का 3x9, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि मेरी आम यानी फिंगर ग्रिप से थोड़ा इसके, यानी कि आप 4-5 इंच कह सकते हैं इसकी क्वालिटी, जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी है। तो सबसे उसके बाद ये इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, यानी कि हमारा कैम गियर शेयर नहीं रहा, यानी फ़ोन हमारा कैम भी आ जाएगा। तो उसके बाद बताना था कि हम लोगों को बड़ा शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने अल्लाह का कि मुझे 200 सब्सक्राइबर मेरे प्लस हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ी आप लोगों ने मेरी हेल्प की और सबसे बड़ी हेल्प अल्लाह ने की है, तो यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाता रहूं। और 200 सब्सक्राइबर्स पे, फिर 500 सब्सक्राइबर्स पे, और फिर इस तरह 1000 सब्सक्राइबर्स पे हम अच्छी अच्छी यानी कि वीडियोज़ बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी इंटरटेन थोड़ा करते रहें भी, क्योंकि टेस्ट सेशन वगैरह शुरू हो गया मेरा सेकेंड ईयर में, जैसे कि अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो देखें, तो हमारा टेस्ट सेशन शुरू हो चुका है, जैसे कि मैं किप्स कॉलेज में हूँ, तो थोड़ी सी मैं व्लॉग में थोड़ा सा देर लगेगी आने में, लेकिन इंशाल्लाह साथ से कोशिश करता रहूँगा कि आते रहें। और उसके बाद ये कहना था कि यूँ ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ लिए हुए इस सफ़र में 500 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर, फिर इस तरह आगे आगे हम जाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अनबॉक्सिंग थी छोटी मोटी आपको दिखा दी है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम भी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर आपको टूर्स भी देंगे, इस तरह के खानों के ब्लॉग्स भी आएंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, और अभी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।